हेलो एंड वेलकम टू फिल्म बीट। दोस्तों, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से फैंस उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों से अमिताभ के लिए काफ़ी सारी प्रेयर्स आ रही हैं, जिसका आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने अपने दिल की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कई फैंस सोशल मीडिया के सहारे मुझे विशेष भेज रहे हैं। अमिताभ फिलहाल अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ मुंबई के नानावती हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उन्होंने अपने ट्विटर के जरिए अपने सभी फैंस को शुक्रिया अदा कहा है जो उनके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं। अमिताभ ने अपने ट्विटर में लिखा है कि वो सब जिन्होंने अपनी प्रेयर्स अभिषेक, ऐश्वर्या, आराध्या और मेरे लिए भेजी हैं, उन सब का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने कहा है, टू देम दैट हैव एक्सप्रेस्ड देयर कंसर्न, देयर प्रेयर्स एंड देयर विशेज फॉर अभिषेक, ऐश्वर्या, आराध्या एंड मी, माय अनएंडिंग ग्रैटिट्यूड एंड लव। वहीं अमिताभ ने एक और ट्वीट के जरिए लिखा है कि मेरे लिए ये मुमकिन नहीं हो पाया था कि आपने मेरे अभिषेक, ऐश्वर्या और आराध्या के लिए जो प्रार्थनाएं की हैं उस पर मैं प्रतिक्रिया दे पाऊँ, लेकिन मैं हाथ जोड़कर सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी के प्यार और मोहब्बत के लिए शुक्रिया। वहीं आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। अमिताभ को सांस लेने में दिक्कत हुई थी और अभिषेक को हल्का बुखार था, जिसके बाद से दोनों का टेस्ट पॉजिटिव निकला और दोनों ही एक्टर्स को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं आपको बता दें कि ऐश्वर्या और आराध्या में कोरोना का कोई भी लक्षण नहीं पाया गया था और दोनों एसिम्प्टोमेटिक थे। इसके बावजूद दोनों का टेस्ट होने के बाद दोनों पॉजिटिव निकले। अभिषेक बच्चन ने अपने ट्वीट के सहारे से ये कंफर्म कर दिया था कि वहीं अमिताभ के परिवार में जया बच्चन कोरोना नेगेटिव हैं, अमिताभ और अभिषेक पॉजिटिव टेस्टेड है। इसके अलावा अनुपम खेर के परिवार में भी 4 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वहीं आपको बता दें कि इसी कड़ी में कसौटी जिंदगी के शो के एक्टर पार्थ समतान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वेल दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अमिताभ से जुड़ी हुई और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट के जरिए अपने सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।